को कभी ना कभी एसिडिटी तो जरूर हुई है। सो ये एसिडिटी क्यों होती है, एसिड प्रोडक्शन क्यों होता है अपनी बॉडी में, इसके बारे में जानते हैं। सो बेसिकली अपनी जो फूड पाइप रहती है वो एक ऑर्गन से कनेक्टेड रहती है जिसका नाम है स्टमक। स्टमक के सेल्स कंटिन्यूसली एसिड प्रोड्यूस करते रहते हैं। सो एसिड प्रोडक्शन का रीजन है दो। फर्स्ट, जो खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, एंड सेकेंड थिंग, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर खाने में आ गया हो तो उसको मारने में हेल्प करता है। सो अभी एसिडिटी क्यों होती है, कंटिन्यूसली अपना स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता रहता है, अगर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फूड नहीं मिला तो एसिडिटी हो सकती है, यानी कि फास्टिंग के वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। सेकेंड जो थिंग है वो है कि कोई कंटिन्यूसली अपन एसिडिक फूड खा रहे हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, जिसके वजह से एसिडिटी भी बढ़ रही है। थर्ड जो थिंग है वो है रिफ्लक्स, यानी कि स्टमक से फूड और एसिड इसोफेगस में आ रहा है, यानी कि फूड पाइप में आ रहा है, और इसका मेन रीज़न हो सकता है ओबेसिटी। सो अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ है तो प्लीज़ हैव अ प्रॉपर डाइट, सेकेंड इज़ हैव अ चेक ऑन योर वेट, एंड प्लीज़ डू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। थैंक यू।